हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा सामान पैक हो चुका है। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं बॉम्बे। मेरी बेटी की जॉब लगी है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए बड़े भैया के साथ इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं शाम को, क्योंकि हमें भैया के पास रुकना है रात को। वहीं से दिल्ली से ही हमारी फ़्लाइट है सुबह 8 बजे। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पे हमें 6 बजे सुबह पहुंचना है, इसलिए हम लोग आज शाम को ही भैया के साथ चल दिए, क्योंकि आज शाम रात को हम भैया के पास रुकेंगे दिल्ली, और मम्मी भी साथ में हैं तो वहां से जाएंगे। और फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट में एंट्री के लिए देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है, और ये हम लोगों ने 1 घंटा रेस्ट कर लिया है अब पहुंचकर। और अब हम दोबारा फिर लाइन में लग चुके हैं, अब क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, अब हमें प्लेन में बैठना है, इसलिए फिर लाइन से जा रहे हैं अंदर फ्लाइट तक। और देखिए आप कितनी लंबी लाइन है। और ये हम एरोप्लेन तक एयरपोर्ट वालों की बस में आए हैं, और ये इनकी बसेस हैं जो सामान लोड करके एयरपोर्ट पर ले जाती हैं, सबके अटैची बैग्स वगैरह ये निकाल रहे हैं यहाँ से इस गाड़ी में। और हमारी बस अभी पहुँचने वाली है। ये सब मैं बस के अंदर से ही आपको दिखा रही हूँ। ये आ गए हम एरोप्लेन के पास। यहाँ से भी लाइन लगेगी फ्रेंड्स। ये हम लाइन में लग चुके हैं, और उधर से दूसरी बस आ रही है दूसरे प्लेन के लिए। और ये लाइन में लग के हम पहुंच गए, ऊपर जाना है हमने प्लेन में। मैं सबसे पीछे हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है ना आप लोगों के लिए। और मेरी बिटिया आगे आगे जा रही है, वो बोल रही है कि मम्मा वीडियो मत बनाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीछे भी कितनी भीड़ लगी हुई है, बड़ी लंबी लाइन है। और अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ये बैठ चुके हैं हम प्लेन में। ये देखिए बाकी लोग भी बैठने लगे हैं, अभी धीरे धीरे करके पूरा प्लेन भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जाने वाले। और ये आ गए हम होटल में। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा होटल है ये। वैसे ही बॉम्बे के तो होटल छोटे तो होते ही नहीं, बड़े बड़े ही होते होंगे शायद। पहली बार आई हूँ ना बॉम्बे, तो देखिए आप, पूरे रास्ते बारिश थी जैसे ही हमने बॉम्बे में एंटर किया। तो ये आ गए हम अपने रूम में। रूम में आते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और बिटिया कह रही है बस करो मम्मा, वो बार बार अपना मुंह ढकी जा रही है। और यहाँ आकर हमने रूम पे रेस्ट किया। आते ही चाय मिल गई गर्मा गर्म, आराम से बैठ के चाय पीते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। बिटिया बोल रही है कि मम्मा नौटंकी मत करो और इस अपने कैमरे को बंद कर दो, पर मैं उसकी कोई बात नहीं मान रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो व्लॉग बनाना है अपना। वो बोले जा रही है और मैं नहीं मान रही उसकी बात। तो फ्रेंड्स, ये शाम का वक्त हो गया है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ 12 बजे चेक इन कर लिया था, और अब शाम के 6 बजे हैं, पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी बारिश होती है यहाँ पर, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं भाई। सब लोग बिना छाते के ही ज़्यादा घूमते हैं यहाँ पर, पता नहीं। कोई कोई तो खैर रेनकोट भी पहन के रखता है। ये जो होटल के पीछे का बैक साइड है जहाँ हम घूम रहे थे अभी बारिश में, मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं।
चारों तरफ होटल ही होटल नज़र आ रहे हैं। ये पीछे का व्यू है होटल के, झूले लगे पड़े हैं। बारिश में आगे नहीं जाया जाएगा फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।